मेरे साथ लोकसभा सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव जी हैं खास बातचीत के लिए। पूर्णिया के मद्देनजर आप जो है एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से, क्या कहेंगे उसको? अब तो डबल इंजन की सरकार है, कई बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि विमान चालू हो गया और अभी तक आप जमीन एक्वायर नहीं कर पाए, 15 एकड़ जमीन को लेकर के विवाद है, लगातार आप किसानों की जमीन के मुआवजा सही नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप बिहार को कभी नजरअंदाज में, तो भागलपुर का भी मामला उठाया ना जी, भागलपुर पूर्णिया दोनों का, और दरभंगा और पटना आज तक इतना रेवेन्यू देने के बावजूद दरभंगा को आपने कोई सुविधा नहीं दी है, तो लगातार जो नजरअंदाज आप अनदेखी करते जा रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो मैंने सरकार से पूछा कि कब तक जमीन एक्वायर हो जाएगा, उन्होंने कहा हो चुका है, मामला शॉर्ट आउट हो चुकी है जमीन जी, जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में ये मामला, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिलंब हम शिलान्यास करेंगे और विमान पतन को चालू भी करेंगे, लेकिन अब तक चालू क्यों नहीं हो पाया लगातार? ये तो मंत्री जी बताएंगे ना, जो प्रधानमंत्री और खुद होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चालू हो गई, प्लेन चालू हो गया, तो उसमें पप्पू यादव कहाँ आता है? ये हम लोगों के सीमांचल, कोसी, मिथिला और भागलपुर से जुड़ा सेंटीमेंट है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आप समझ लें। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान सदन के भीतर विधानसभा के अंदर दिया था, किस तरीके से? उम्र से आप नीतीश कुमार जी का हमेशा आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं किया जा सकता है, उम्र भी है और नीतीश कुमार जी इसके पहले प्रधानमंत्री आलोचना कर चुके हैं, इस बार कुछ नहीं बोले, इस बार विपक्ष बोल रहे हैं, मतलब तब उनके साथ हो तब भी उसको जायज ठहराएंगे कि प्रजनन पर कुछ नहीं बोले, इनके साथ हो गए तो जायज ठहराएंगे। मेरा मानना है कि इन सब चीजों से अलग हट के बिहार के डेवलप पर बात करना जरूरी है, नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो भूल से हो जाती है उनकी, और उम्र भी है, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा कि आप तो गार्जियन के रूप में कोई बात कहते हैं तो ऐसा ठेस ना पहुंचे किसी महिलाओं और बेटियों को, वह भूमिका आप छोड़ दीजिए, गार्जियन के रूप में आप बेटी की तरह देखते हैं मैं जानता हूं, लेकिन गार्जियन की भूमिका में लोगों को ठेस पहुंच जाए ये मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं भूल है उनकी और इनको सुधार करनी चाहिए। मेरे साथ लोकसभा सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव जी हैं खास बातचीत के लिए। पूर्णिया के मद्देनजर आप जो है एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से, क्या कहेंगे उसको? अब तो डबल इंजन की सरकार है, कई बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि विमान चालू हो गया और अभी तक आप जमीन एक्वायर नहीं कर पाए, 15 एकड़ जमीन को लेकर के विवाद है, लगातार आप किसानों की जमीन के मुआवजा सही नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप बिहार को कभी नजरअंदाज में, तो भागलपुर का भी मामला उठाया ना जी, भागलपुर पूर्णिया दोनों का, और दरभंगा और पटना आज तक इतना रेवेन्यू देने के बावजूद दरभंगा को आपने कोई सुविधा नहीं दी है, तो लगातार जो नजरअंदाज आप अनदेखी करते जा रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो मैंने सरकार से पूछा कि कब तक जमीन एक्वायर हो जाएगा, उन्होंने कहा हो चुका है, मामला शॉर्ट आउट हो चुकी है जमीन जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में ये मामला, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिलंब हम शिलान्यास करेंगे और विमान पतन को चालू भी करेंगे, लेकिन अब तक चालू क्यों नहीं हो पाया लगातार? ये तो मंत्री जी बताएंगे ना, जो प्रधानमंत्री और खुद होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चालू हो गई, प्लेन चालू हो गया, तो उसमें पप्पू यादव कहाँ आता है? ये हम लोगों के सीमांचल, कोसी, मिथिला और भागलपुर से जुड़ा सेंटीमेंट है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आप समझ लें। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान सदन के भीतर विधानसभा के अंदर दिया था, किस तरीके से? उम्र से आप नीतीश कुमार जी का हमेशा आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं किया जा सकता है, उम्र भी है और नीतीश कुमार जी इसके पहले प्रधानमंत्री आलोचना कर चुके हैं, इस बार कुछ नहीं बोले, इस बार विपक्ष बोल रहे हैं, मतलब तब उनके साथ हो तब भी उसको जायज ठहराएंगे कि प्रजनन पर कुछ नहीं बोले, इनके साथ हो गए तो जायज ठहराएंगे। मेरा मानना है कि इन सब चीजों से अलग हट के बिहार के डेवलप पर बात करना जरूरी है, नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो भूल से हो जाती है उनकी, और उम्र भी है, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा कि आप तो गार्जियन के रूप में कोई बात कहते हैं तो ऐसा ठेस ना पहुंचे किसी महिलाओं और बेटियों को, वह भूमिका आप छोड़ दीजिए, गार्जियन के रूप में आप बेटी की तरह देखते हैं मैं जानता हूं, लेकिन गार्जियन की भूमिका में लोगों को ठेस पहुंच जाए ये मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं भूल है उनकी और इनको सुधार करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी मेरे साथ थे।